अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ खुशका खुरमे की रेसिपी। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब खुशका बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। प्याज, हरे मिर्ची, पुदीना, लौंग, चकला, इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, शाही ज़ीरा, तेल। चावल को धो के भिगा के सोख करके रखी हूँ। पैन गरम हो गया है, तेल डाल रही हूँ मैं। लौंग, चकला, इलायची डालना है, प्याज डालना है। तेल में प्याज अच्छा भून लेना है। हरी मिर्ची भी डालेंगे। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के अच्छा सा भून लेना है। पुदीना भी डालना है उसमें। पानी डालना है। मेरे हिसाब से, चावल के हिसाब से मैं डाल रही हूँ पानी। आप जितना चावल डालेंगे उतना पानी डालना है। शाही ज़ीरा डालना है। नमक डालना है स्वाद अनुसार। अब एक उबाल आए तक पकाना है अच्छा सा। देखिए उबाल आ चुका है। चावल डालना है। अच्छा सा मिक्स कर लेना है। 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में चावल को एक बार पलटा लेना है। ढकना है दम होने के लिए 2 मिनट के लिए। देखिए हमारा खुशका रेडी है। अब खुरमे की तैयारी कर लेते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, चकला, कोथिमीर, कस्तूरी मेथी, नारियल, 4 पंडू मीडियम साइज के, चिकन 500 ग्राम, 2 बड़े बड़े आलू, तेल, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अब चलिए शुरू करेंगे। कुकर गर्म हो गया है, तेल डाल रही हूँ मैं। प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा लाल हो गया है। अब प्याज, लहसुन, अदरक, कोथिमीर, लौंग, चकले का पेस्ट बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। वो मसाले में अच्छा भून लेना है। प्याज में अच्छा भून लेना है। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, वो भी डाल के अच्छा भून लेना है। चिकन डाल रही हूँ मसाले के साथ। चिकन अच्छा भून लेना है। इसमें थोड़ा पानी छूटता है मसाले में, जब तक हमें कुछ भून लेना है। आलू भी डालना है। आलू भी उसके साथ भून लेना है, अच्छा मिला लेना है। देखिए अच्छा मिल गया है। अब नमक डालेंगे।
अच्छा सब मिला लेना है। थोड़ी देर 2 मिनट पकना है, उसके बाद खोपरा पंडूर पीस लेके पेस्ट बना के रखे हैं वो डालना है। टमाटर पेस्ट बना के रखे थे ना वो डालना है। डाल के थोड़ा पानी डाल को अच्छा मिला को पकने के लिए छोड़ देना है। उसमें कितना होना उतना हाँ पानी डाल ले सकते हैं। मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ, कस्तूरी मेथी बुकनी बना के डाली हूँ, वो डालने से अच्छा सा टेस्ट आता है, आप भी डालिए। ढकना है, कुकर ढकना है, 2 विजल के लिए ढकना है। देखिए हमारा खुरमा पक के रेडी हो चुका है, अब सर्व कर लेती हूँ। देखिए अब हमारा खुशका भी रेडी है, वो भी सर्व कर लेती हूँ। देखिए कैसा पका है हमारा खुशका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।